या फिर अपने कंपाउंड में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ नेट सेटअप करना है तो कैसे करना है, क्या होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फिर उसके बाद सबसे फेवरेट जो आपका होने वाला है कि भाई कितने जुगाड़ आप यूज़ कर सकते हो और मैंने इसमें कितने किए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर अगला पॉइंट आएगा कि यार क्या बॉलिंग मशीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अगर हमने नेट सेटअप कर दिया है तो उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, और लेना है तो कौन सा लेना है उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी पॉइंट जो आपका फेवरेट होगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बजट ओरिएंटेड करना है, तो भाई बजट कम से कम बजट में हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं माई क्रिकेट बड़ी। तो सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है कि आपको जगह का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि भाई कितनी जगह है, कैसी है, वो सारी चीज़ें अलग, भले आप टेरेस पे कर रहे हो या फिर कंपाउंड में कर रहे हो, तो हो सकता है लेट्स से कि क्या हो सकता है कि भाई आपके पीछे या फिर साइड में वॉल हो सकती है जिसका आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो। मेरा केस आपको बेस्ट एग्जाम्पल देने वाला है क्योंकि मतलब सारी जगह ओपन स्पेस है, मतलब कोई ऐसा पीछे वॉल साइड में वॉल ऐसा नहीं है, पूरा ओपन स्पेस है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होने वाला है कि इस सिचुएशन में कैसे कर सकते हो, अगर आपके केस में वॉल है तो उसका भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि भाई जगह का इंस्पेक्शन करो, और हालांकि अगर आप रिस्क फैक्टर को भी ज़रूर ध्यान में दो कि अगर आप टेरेस पे कर रहे हो या फिर कंपाउंड में कर रहे हो तो बॉल बाहर ना ही जाए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि भाई टेरेस से बॉल नीचे जाए और किसी को लग जाए, तो ऐसा ना हो, तो उसका भी ज़रूर ध्यान देना कि अगर टेरेस पे कर रहे हो तो मैंने एक्चुअली सभी जगह से पैक कर चुका हूँ, तो और कई जगह डबल डबल नेट भी लगाई है, तो वो आपको आने मतलब शॉर्ट कुछ ही देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो ये रिस्क फैक्टर भी ज़रूर ध्यान में दो। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है भाई, सबसे पहले आप जितनी भी जगह यूज़ करने वाले हो तो वहाँ पे मेजरमेंट ज़रूर ले लो ताकि आपको आइडिया आएगा भाई एक्चुअल में आपको नेट कितनी चाहिए, वरना आप अंदाजे से लोगे तो यार कम ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आप नहीं चाहोगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट ज़रूर लो कितनी आपको नेट चाहिए, और मेरे केस में क्या था कि मैंने दो अलग अलग जगह से नेट लिए, तो एक जगह मैंने जो नेट लिए वो कम से कम 100 फुट बाय 10 फुट, ये जो आप नेट देख रहे हो मतलब सबसे पहले पूरा नीचे का रेक्टेंगल शेप बनाया था, तो उसमें 100 फुट बाय 10 फुट, और ऊपर की जो आप नेट देख रहे हो ये कम से कम 40 फुट बाय 10 फुट की नेट है, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर तीसरी, ये आपका फेवरेट होने वाला है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले अपने घर के स्टोर रूम में जाओ कि घर में कितनी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और मैंने भी वही किया था। तो हमने यहाँ पे एक पोल आप देख पा रहे होगे, एक पोल यहाँ से घर से ही मिल गया जो एंगल आपने यूज़ की थी, और आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हमने एक वुडन स्टिक की यूज़ की है, और ये एंगल के सपोर्ट में ताकि इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाए, हालांकि इससे भी कम हाइट होने वाली थी लेकिन हमने थोड़ी बहुत बढ़ाई दी। फिर उसके बाद जैसे कि हो सकता है कि आपके घर में एंगल पड़ी हो, या फिर इवन अगर मान लो कि एंगल नहीं पड़ी है, वुडन स्टिक भी पड़ी है, तो यहाँ पे ज़रूर एक बार देख लो कि ताकि आपको पता चलेगा कि सिर्फ हमने एंगल यूज़ नहीं किए यहाँ पे एकदम, ये आप बैम्बू जैसे स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि वो भी नहीं है, बैम्बू भी नहीं है, एक नॉर्मल लकड़ी है तो उसका हमने यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एंगल ही यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके मतलब घर में एंगल नहीं है तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है, तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी बड़ी कॉस्ट बच जाएगी। तो मेरे केस में तो ये एंगल घर में ही पड़ी थी तो उसकी कॉस्ट भी हट चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी देखना है कि भाई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे पोल की, आपको पोल खड़े करने पड़ेंगे। अगर आप हाफ विकेट बनाना चाहते हो ना तो सिर्फ तकरीबन आपको 4 पोल ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, आप चाहो तो 6 भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने डब्बा यूज़ किया है तो ऐसा नहीं कि हमने सीमेंट यहाँ पे अंदर ही मतलब पूरा बॉक्स बना दिया है, तो इसमें आपने आप ये भी ले सकते हो कि आपके घर में भी पड़ा होगा, तो ऐसे एक कलर का डब्बा कोई पुराना पड़ा होता है तो उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, या फिर इवन ऑयल का बॉक्स आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको चाहिए होगा सीमेंट, और 1 से 5 kg सीमेंट चाहिए होगा, तो मतलब सभी के लिए। तो सीमेंट और ब्रिक हमने यूज़ किया, और इसमें 2 दिन लगेंगे आपको, उसके बाद आप यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी आप जुगाड़ यूज़ कर सकते हो कि भाई ऑयल का पेंट, या फिर ऐसा मतलब रिसाइकल स्टोर में भी जा सकते हो अगर आपके घर में नहीं पड़ा है तो। लेकिन सबसे पहले घर में चेक करो, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएगी, और यहाँ पे जितना भी आप एंगल या फिर वुडन स्टिक जो भी देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो यहाँ पे फुल ऑन कॉस्ट बच चुकी है, तो ये आपके केस में भी हो सकता है। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है, नेट बनानी कैसे है, तो यहाँ पे फिर से मैं अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाता हूँ।
तो देखो नेट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ यानी कि आपको फ्रेमिंग करना पड़ेगा और इसमें आपको तार का यूज़ करना पड़ेगा और तार तकरीबन हमने 1 किलो ही यूज़ किया है और उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 100 रुपये। तो वो 100 रुपये में आपको तार मिल जाएगा अच्छा खासा। तो यहाँ से सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप में तार ज़रूर बना दो क्योंकि एक फ्रेम बननी चाहिए। तो कि हालांकि यहाँ पे कहीं पे आप उसका फ़ोटो भी ज़रूर देख पा रहे होंगे कि कैसे फ्रेमिंग करनी है। उसके बाद फ्रेमिंग हो जाने के बाद जब भी आप नेट लगाओ तो बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि आप नीचे सबसे पहले पूरा ख़त्म कर दो यानी कि मतलब नीचे पूरा रेक्टेंगल शेप में पूरा नेट बना दो, फिर उसके बाद आप ऊपर लगा सकते हो नेट। हालांकि आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो कैसे भी लगाओ, लेकिन मैंने जो जैसे किया था वैसे ही मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आपने नेट लगा दी और नेट की कॉस्ट तकरीबन 3,800 समथिंग रुपीज़ थी जो कि एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे कहीं पे साइड पे डिस्प्ले हो रही होगी। तो मतलब ये दोनों नेट यानी कि ऊपर वाली और साइड वाली दोनों नेट का कॉस्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नीचे फ्लोर आप देख रहे हो कि भैया मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो हो सकता है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको बॉल जज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसा कोई केस आपके वहाँ पे है तो क्या करना है? तो सबसे पहले मेरा आइडिया क्या था कि भाई एस्ट्रोटर्फ जो कि सभी लोग लगाते हैं, लेकिन यार हमको बजट ओरिएंटेड करना है इसलिए ये चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट मान लो 20-25 हज़ार का तो एस्ट्रोटर्फ आएगा, उतना तो बजट हमारा है ही नहीं। तो फिर वहाँ से निकल के फिर मैंने सोचा मैटिंग यूज़ करते हैं। मैटिंग 10 से 15 हज़ार का आएगा, फिर उससे भी कम करना है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर उससे कम जो एक ग्रीन कलर का मतलब कपड़ा जैसे आता है जो आप बिछा सकते हो तो वो आप ट्राई करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर शायद आप शूज़ पहन के खेलोगे तो फंसेगा पैर या फिर नहीं क्या होगा। तो उससे भी बेस्ट आइडिया जो हालांकि मेरी मम्मी ने शेयर किया था वो क्या था कि 200 से 300 रुपए में काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहो तो नीचे आप कलर कर सकते हो यानी कि कोई भी पूरा प्रॉपर एक ग्रीन कलर या फिर वाइट कलर आप नीचे लगा सकते हो तो 200 से 300 रुपए में वहाँ पे भी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई चीज़ है तो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बॉलिंग मशीन ले या ना ले, देखो सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगा बॉलिंग मशीन रिव्यू के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कोई है जो आपको बॉल डाल सकता है तो डेफिनेटली बॉलिंग मशीन में इन्वेस्ट मत करो। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इन्वेस्ट करना ही है तो इन्वेस्ट करो साइड आर्म में, क्योंकि साइड आर्म काफ़ी अच्छी चीज़ है। छोटा वाला ले सकते हो, नॉर्मल और फिर रोबो आर्म, तीनों ही ले सकते हो साइड आर्म में अगर आप चाहो तो। फिर उसके बाद और कौन सी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके बाद बॉल में ज़रूर इन्वेस्ट करो यानी कि लेट्स से कि आप सॉफ्ट टेनिस बॉल ले सकते हो, फिर प्लास्टिक बॉल का भी अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, फिर हो सकता है कि आप बॉलिंग मशीन बॉल भी ले सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई बॉलिंग मशीन बॉल, हालांकि बॉलिंग मशीन लेने के लिए ना बोल रहा है, लेकिन उसके बॉल देखो, उसके बॉल क्यों, क्योंकि उसके बॉल यहाँ पे लंबे चलेंगे। और एक चीज़ आपने ध्यान दी कि अगर यहाँ पे हम मोस्टली बॉलिंग मशीन बॉल से खेलने वाले, ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नीचे भी नहीं आएगा जितना सीजन बॉल में टेरेस के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप कौन से बॉल से खेलने वाले हो, अगर बॉलिंग मशीन बॉल होगा, प्लास्टिक बॉल होगा या फिर सॉफ्ट टेनिस बॉल होगा तो उसमें इतना कोई मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर एस्ट्रोटर्फ नीचे नहीं होगी तो चलेगा, अगर ये बॉल आप यूज़ करने वाले हो तो की बात है। और अगर इनकेस आप में मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर वाला नीचे फ्लोर नहीं है तो कलर करने की भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है नहीं, और मैं भी शुरुआत में इससे ही ट्राई करने वाला हूँ, फिर आगे जाके देखते हैं फिर और कौन सी चीज़ें नई नई हम लोग चेंज करते हैं। तो फाइनली एक बार मैं कॉस्ट आपको समझा देता हूँ, कॉस्ट क्या थी। सबसे पहले नेट हमको परचेस करनी पड़ेगी जो कि उसकी कॉस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड में 3,000 समथिंग कुछ रुपीज़ है। फिर उसके बाद आपको सीमेंट चाहिए, सीमेंट की कॉस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी और सीमेंट की कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये से 500 रुपये मैक्स टू मैक्स। फिर उसके बाद आपको तार लेना पड़ेगा जो कि आप उसकी कॉस्ट भी हमको 100 रुपये में काम खत्म हो गया सारा, तो वो आपको लगने वाली है उसकी कॉस्ट, क्योंकि वो आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। फिर और कौन सी कॉस्ट लगेगी, एंगल की कॉस्ट, जो कि एंगल की कॉस्ट यहाँ पे हमारी जीरो हो गई क्योंकि हमने मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पहले ही पढ़ी थी, एंगल तो पढ़ी थी। फिर उसके बाद पोल का हमने यूज़ किया, लकड़ी का यूज़ किया जो कि आप भी कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं कि भाई मैंने बता दिया कि भाई हाँ आप लकड़ी यूज़ कर सकते हो और मैं सिर्फ मतलब पोल यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपने लाइव आपने वो भी देखा तो वो ज़रूर यूज़ करो, तो उसमें भी आपकी काफ़ी अच्छी कॉस्ट बचने वाली है। फिर हमने एस्ट्रोटर्फ नीचे नहीं ली जो कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने बॉल में इन्वेस्ट कर दिया, तो बॉल में इन्वेस्ट
ज़रूर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेट में भी आप ले सकते हो, नेट भी अच्छी खासी ले सकते हो, यानी कि नेट की थिकनेस ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड आपका बजट कितना है और आप कैसे करना चाहते हो सकता है। आप यहाँ पे अगर मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला आप यूज़ मोस्टली नहीं करते होंगे, तो वहाँ पे भी आपकी नेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसे आप नेट की कॉस्ट कम कर सकते हो और तकरीबन फाइनल टोटल 5000 रुपये से भी कम में ये सेटअप किया। और ये इतने जुगाड़ या फिर ये सारी चीज़ें करने के पीछे एक ही रीज़न था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इसको फॉलो करके अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी सारी ड्रिल्स होंगी जो आप यहाँ पे अपने कर सकते हो कि भले ही कोई हो नहीं आपके पास, फिर भी आप यहाँ पे काफ़ी सारी बैटिंग टीम्स, काफ़ी इंडिविजुअल ड्रिल्स सारी कर सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। और हालांकि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपके पास भी कोई जुगाड़ हो या फिर आपने सेटअप किया है तो नीचे अपने सेटअप के बारे में भी ज़रूर बता सकते हो। और क्या इससे कम में हालांकि बजट आपको पसंद आया कि नहीं नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन देख रहे हो गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप एक क्लिक कर दोगे तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लव क्रिकेट।